हेलो एंड वेलकम टू एब्सोल्यूट इंडिया न्यूज। पेश है बॉलीवुड की ताजी सुर्खियां। 20 मई को यानी आज कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की फिल्म भूल भुलैया 2 रिलीज हो गई है। इसके चलते कार्तिक आर्यन आज सिद्धिविनायक मंदिर में अपनी फिल्म की सक्सेस के लिए प्रार्थना करने भी गए थे। डालिए नजर इनकी तस्वीरों पर। मशहूर सिंगर कनिका कपूर अपने बॉयफ्रेंड एंड बिजनेसमैन गौतम हाथी रमानी के साथ आज शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। कनिका ने अपने सोशल मीडिया के जरिए उनकी मेहंदी सेरेमनी की पिक्चर शेयर की, जिसमें वो एक बहुत खूबसूरत ग्रीन कलर की ड्रेस में नजर आ रही हैं। डालिए नजर उनकी इस पोस्ट पर। भूल भुलैया 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग पर बहुत से बॉलीवुड एक्टर एंड एक्ट्रेस नजर आए, जिनमें कियारा आडवाणी के रूमर बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ मल्होत्रा भी शामिल थे। इस क्यूट कपल का सोशल मीडिया में एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो साथ नजर आ रहे हैं। फैंस ये वीडियो देख बहुत खुश हैं। पॉप सिंगर रिहाना और SF रॉकी आज पेरेंट्स बन गए हैं। हाल ही में रिहाना ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया है। इस खुशखबरी के सोशल मीडिया पर आते ही उनके फैंस ने दी उन्हें ढेरों बधाई। Have a look. 20 मई को कंगना रनौत की धाकड़ और कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2 का बॉक्स ऑफिस पर हुआ क्लैश। जहां एक तरफ कार्तिक की एक्टिंग और मूवी ने लोगों के दिल में अपनी जगह बनाई, वहीं माना ये जा रहा है कि कंगना की पिक्चर ने लोगों को काफी हताश किया। सोहेल खान और सीमा खान के डिवोर्स की खबरें काफी समय से चर्चा में हैं। अब ये कंफर्म हो गया है कि ये कपल अब साथ नहीं रहना चाहते, और इसी के चलते अब सीमा खान ने सोशल मीडिया पर अपने सरनेम से खान ड्रॉप कर दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फॉलो अवर चैनल एब्सोल्यूट इंडिया न्यूज ऑन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड वेबसाइट।